दूसरी एक और खबर आ रही है, खबर यह है कि मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, भोपाल में मोहन कैबिनेट की जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है और कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। कौन से अहम प्रस्ताव, तो सुन लीजिए। दर्ज हुई है, ये भी हम सबके लिए बड़ी उपलब्धि है। आज कैबिनेट में सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूर किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने इसका समर्थन मूल्य 4,892 रुपये घोषित किया है और कैबिनेट ने ये तय किया है कि 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन होगा और 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक इसकी खरीदी होगी। 1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे। एमपी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन से उसके भंडारण के लिए बातचीत करके और उनका भंडारण सुनिश्चित किया जाएगा। मार्कफेड के द्वारा इसका उपार्जन होगा और पहली बार मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उपार्जन भारत सरकार ने स्वीकृत दे दी है। लगभग 13.68 मैट्रिक टन, 13.68 लाख मैट्रिक टन की भारत सरकार ने स्वीकृत दी है उपार्जन के लिए, तो ये भी किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक और 25 सितंबर इसी सितंबर में 25 तारीख से अब 20 अक्टूबर तक पंजीयन होगा किसानों का। एमएसपी 4,892, आज जो मार्केट रेट है लगभग 4,200 से लेकर 4,500 के बीच में है, 4,400 4,892, मतलब किसानों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर रहेगा। विधायकों का विश्राम गृह आप सब जानते हैं कि काफ़ी पुराना 1958 में जो बन के तैयार हुआ था वो पर्याप्त नहीं है। जिस तरह से लोग विधायकों के पास आते हैं 1 BHK के, वो कमरे दो दो कमरे अलॉट होते हैं और उसको लेके विधायक काफ़ी असुविधा महसूस करते थे, तो आज कैबिनेट ने 159.13 करोड़ की स्वीकृति दी है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी इस बात को शासन के सामने रखा था कि विधायकों के लिए नए आवास बनाए जाएं, तो दो ब्लॉक को हम नवीन वो जो पारिवारिक खंड हैं उनको हटाएंगे और वहाँ पर फ्लैट्स बनाएंगे। पांच ब्लॉक बनेंगे, जगह वही रहेगी। वो जगह नहीं, रीडेंसिफिकेशन में जो प्रस्तावित था वो जगह नहीं है, वो उसमें मंत्रियों के बगले ज्यादा थे। ये है पुराने पारिवारिक खंड क्रमांक 1 एवं शॉपिंग सेंटर के स्थान पर 102 आवास रहेंगे, 5 ब्लॉक बनेंगे, 2615 वर्ग फीट उसका स्क्वायर एरिया होगा और संपूर्ण परियोजना की राशि होगी 159.13 करोड़। तो कुल मिला के विधायकों की सुविधा मतलब विधायकों के पास आने वाले हजारों लोग जो जनता जनार्दन होती है उनको भी सुविधा होती है, जब वहाँ पर बैठने की अच्छी जगह हो, पार्किंग की जगह हो और मीटिंग कर सकें, इस प्रकार से सभी चीज़ों को जो आज के समय में जरूर। तो आप देख रहे थे कैबिनेट मंत्री, इस समय उप मुख्यमंत्री जानकारी दे रहे थे राजेंद्र शुक्ल। कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई, बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय तो यह है कि जो सोयाबीन का उपार्जन है वो 13.68 टन इस बार केंद्र सरकार लेगा, जैसा उन्होंने कहा। और बड़ी बात यह भी है कि विश्राम गृह जो विधायकों के हैं पुराने, उनको नवीनीकृत यानी नए ढंग से बनाया जाएगा और 169 करोड़ रुपये उसके लिए मंजूर कर दिए गए। और भी कई निर्णय हुए कैबिनेट में, तो यहाँ फिर